हो जिसकी खातिर काटी जेल हो या बारहवीं में फेल, मेरे प्यार का पता शायद फूट गया। ओ पहली बारी भोले बाबा प्यार यो करया था, और पहली बारी मैं दिल टूट गया। ओ पहली बारी भोले बाबा प्यार यो करया था, और पहली बारी मैं दिल टूट गया। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। भाई पीएस पुलिस से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हरियाणवी कलाकार, जिनके गाने इस वक्त पूरी इंडिया के अंदर तहलका मचाए हुए हैं। और एक बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग है इनका, 25 तारीख को वो भी आने वाला है, उसका नाम भी हम खुद ही भाई साहब से पूछेंगे। पीएस, सबसे पहले तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन इतनी कम समय में इतनी ग्रोथ करने के लिए। थैंक यू भाई, थैंक यू, लव यू सारे भाई, ये पब्लिक का प्यार है। बिल्कुल, कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया भाई, बिल्कुल। अच्छा, कैसा लग रहा है भाई, एक ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण अंचल से उठ करके आज पूरा हरियाणा, पूरी इंडिया आपके जो सॉन्ग देखते हैं, करोड़ों चाहने वाले आज आपके। भाई मेरे को उम्मीद नहीं थी ऐसा भी हो सका है। सबसे पहले तो मैं जब छोटा था ना, मैं ही सोचता था कि ये लोग यूट्यूब पे गाने बना बना के डालते है ना, बस ऐसे ही मतलब मौज मस्ती करते, कहां किसको पैसा मिलता है। लेकिन जब पहली पेमेंट आई तो मेरे को तब विश्वास हुआ, और पहली पेमेंट आने के बाद फिर तो मैंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, बैक टू बैक गाने करता रहा मैं। बिल्कुल, कंपनियों के साथ जुड़ती है स्टार्टिंग में, लेकिन बहुत सारे लोग बाद में आरोप लगाते हैं कि उनका शोषण हो जाता है, लेकिन आपने खुद का अपने एक प्लेटफॉर्म बनाया है पीएस म्यूजिक, जो चैनल आपका पीएस पुलिस के नाम से, तो कैसा लग रहा है आपका खुद का एक प्लेटफॉर्म है? भाई बिल्कुल, देखो कंपनी किसी की नहीं है, कंपनी को सिर्फ काम से मतलब है। जब तक वर्कर काम करेगा, जब तक वो कंपनी का है, काम कम करना छोड़ देगा या फिर काम में मतलब ढीला हो जाएगा बंदा, या मान छोटी बात लगा लो गाने चलने बंद हो जाएंगे उसके, उसी टाइम कंपनी उसको छोड़ देगी। तो मैं तो सभी दोस्तों से, सभी भाइयों से यही बोलूंगा, अपना अपना चैनल लगाओ और अपने चैनल पे काम करो। पीएस भाई, काफी दर्शकों के कमेंट आते हैं कि पीएस ज्यादातर 99% नहीं 100% आपके जो सॉन्ग है वो भोले के ही आते हैं। हाँ। ये क्या कारण है, क्या रीजन है कि आप ज्यादातर जो शिव शंकर है, भोला है, उन्हीं के ऊपर आप सॉन्ग बनाते हैं ज्यादातर? भाई बस रुचि है मेरी भोले बाबा के गाने, पब्लिक है ना जो भोले बाबा के गाने ज्यादा पसंद करती है, तो मेरे को उसी हिसाब से बस भोले बाबा के गाने बनाने पड़ते हैं। और दूसरी बात, हम रावण वंश पंडित हैं, जो हमारा जो दादा था वो रावण था, और हमारा जो गोत्र है, जो दादा रावण का गोत्र था पोलिस थे, तो वो गोत्र हमारा है, और जो दादा रावण थे वो भी भोले बाबा के सबसे बड़े भक्त थे, तो हम भी उसी के हिसाब से बचपन से ही भोले बाबा के गाने आते आ रहे हैं, तो रावण की नीतियों के ऊपर चलने वाले हैं। बिल्कुल। आज के टाइम पर आपके ऊपर कई लोग दशहरा भी नजदीक है, आरोप प्रत्यारोप भी लगाएंगे, बुरा नहीं लगता आपको कि भाई आप रावण की जो विचारधाराएं हैं उनके ऊपर चलने वाले हैं? क्या कहना चाहेंगे लोग आपको, कुछ गलत भी कहेंगे, कुछ सही भी कहेंगे? हाँ बिल्कुल, देखो गलत बोलने वाले भी हैं, अच्छे बोलने वाले भी है, लेकिन हम किस किस का मुंह पकड़ेंगे, हम अच्छे हैं, ये हमें पता है, हमारे परिवार को पता है, मेरे गांव को पता है, सबको सफाई देने की जरूरत नहीं है, हम कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं। बिल्कुल भाई, देखो चारों वेदों का ज्ञाता था रावण, और रावण एक मात्र ऐसा यानी कि श्रेष्ठ राजा हुआ करता जिन्हें चारों वेदों का शास्त्रार्थ हिंदी में कर दिया था, यानी कि विद्वान तो बहुत हुए हैं, लेकिन रावण जैसा विद्वान आज तक इस धरती पर पैदा नहीं हुआ है, जिसने खुद भी यानी कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के नाम का मर्यादा लगे है, लेकिन रावण ने भी कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है। इस प्रकार की जो बातें, रावण जो सॉन्ग आ रहा है 25 तारीख को, आपका सॉन्ग है रावण, रावण ही नाम रख दिया आपने? बिल्कुल रावण नाम उसका गाने, तो एक लाइन सुनाएंगे आप दर्शकों को? लाइन का एक दो दिन में गाना ही आ जाएगा, नहीं सुनाओगे पहले? चलो, दिल टूट गया वो उसकी आन, दिल टूट गया जी। हो जिसकी खातिर काटी जेल हो या बारहवीं में फेल, मेरे प्यार का पता शायद फूट गया। ओ पहली बारी भोले बाबा प्यार यो करया था, और पहली बारी मैं दिल टूट गया। ओ पहली बारी भोले बाबा प्यार यो करया था, और पहली बारी मैं दिल टूट गया। बिल्कुल, ऐसे एक और बात हमने सुन में आई है भाई, देखो हर किसी का जीवन में गुरु होता है, लेकिन आपके कई इंटरव्यू सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर जो वायरल हो रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि आपने खुद मेहनत की, आपका कोई गुरु नहीं है। बस देखो मैंने सीखने की कोशिश करी तो कोई मतलब सिखाने वाला नहीं मिला, और जब सिखाने वाला मिला तो उसने इतने ज्यादा पैसे मांग लिए कि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मैं उसको दे नहीं सका, तो ये तो ऊपर वाले की देन है, जो बस उसी ने सिखाया मेरे को। अच्छा, हरियाणवी कलाकार जैसे क्या कहना चाहेंगे हरियाणवी इंडस्ट्री के बारे में,
हालांकि सुनते आए हैं कि लाइक पुलिंग का सिस्टम है, एक दूसरे की टांग खींचते हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितना सपोर्ट करते हैं हरियाणवी इंडस्ट्री, जिस प्रकार से पंजाब इंडस्ट्री है आज पूरी बॉलीवुड तक उनका तहलका है, क्या लगता है क्या कमी मानते हैं आप हरियाणवी इंडस्ट्री की कि वो आज केवल एक सीमित कर रह गए यहीं तक? बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। जिस दिन एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे बस उस दिन हरियाणा नंबर वन पे होगा, है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। चल पीएस भाई, लास्ट में एक सुल्फा की एक छोटी सी लाइन, आपका जो सॉन्ग चल रहा है ट्रेंडिंग में अभी सुल्फा, उसकी लाइन मेरा याद नहीं। अच्छा, आई भी याद नहीं। क्योंकि गाना जब गा रहा हूँ सुल्फा के बाद तो कम से कम 20-30 गानों की रिकॉर्डिंग हो चुकी है। आप कोई नशा वगैरह करते हो? नहीं, मैं कभी नहीं करता। देख लो भाई, खुद नशा नहीं करता, इसके गाने सुन सुन के घने घने नशा भी करने लग जाते हो। ना ना, मैं तो सभी दोस्तों को बोलता हूँ भाई नशे पत्ते से दूर रहो। अच्छा, एंटरटेनमेंट के लिए होता सब कुछ? बस ये पब्लिक की डिमांड है, पब्लिक पसंद करती है, मेरी मजबूरी है, उसी तरीके का काम करना पड़ता है। मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे भजन भी किए, जैसे ओम नमः शिवाय है, शंकरा है, तो पब्लिक उसका इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं। सबसे बड़ी बात है ना, बता, पब्लिक को मजे से मतलब है, मजा आना चाहिए, बस जिस चीज में मजा आता है वो उसी चीज को देखते हैं। अगर आप अच्छा काम करोगे ना, आपको कोई नहीं देखेगा। आप आज भंडारा लगा दो, आपके भंडारे में बहुत कम लोग आएंगे। अगर या मार्केट में गोली चला दो, एक मिनट में 1000 लोग जुड़ जाएंगे, खून हो गया खून हो गया। तो मतलब लोगों को बस मनोरंजन से मजे से मतलब है, अच्छी चीज को बहुत कम लोग देखते हैं, और बुरी चीज होती है ना वो बहुत ज्यादा फैलती है, एकदम से फैल जाती है वो। चलो भाई, तो हरियाणवी कलाकार पीएस पोलिस इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, 4-5 मुद्दों को लेकर के जो बातचीत हमने इनके साथ की है, अब क्रिया की प्रतिक्रिया आप जरूर रखिएगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे हरियाणा के वो उभरते सितारे जिन्होंने मात्र 6-7 महीने के अंदर अंदर ही पूरी एक पहचान बनाने का कार्य किया इंडिया लेवल के ऊपर, इनके जो गाने आज करोड़ों व्यक्ति देखते हैं, मात्र 2 दिन के अंदर अंदर ही भी लगभग 20-25 लाख जो व्यूअरशिप है एक सॉन्ग के ऊपर इनकी जो आ जाती है। तो वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। ग्राउंड मीडिया चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा से गिनतार के साथ मैं जवाहर द्वाज। तो भाई पीएस भाई, अपना राम राम भाई। राम राम भाई। सारे हरियाणा का वो उभरता हुआ सितारा है जो किसान पुत्र है, जिसका वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर धमाका मच रहा है। वो जिसकी खातिर का डीजे होया बार में मैं फेल, मेरे प्यार का पता सायज फूट गया। पहली बारी भोले बाबा प्यार यो करया था, और पहली बारी मैं दिल टूट गया। बोल भाई वाह, लडला भाई बहुत बढ़िया भाई। भाई 25 तारीख ना भाई का गाना होगा रावण। रावण रावण हो रही है, रावण रावण हो रही है। बिल्कुल, ज्यादातर रावण की, ज्यादातर रावण की जय भोलेनाथ की। बिल्कुल। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।